फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर हेवतपुर रोड निवासी संजू उम्र 28 वर्ष की उसके दोस्त चेला उर्फ पंकज ने थाना क्षेत्र के नीटू कोल्ड स्टोरेज के समीप लाठी डंडे से पिटाई करने के साथ ही उसके सिर में वजनदार वस्तु से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और संजू को मरणावस्था में मौके पर छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गया। साथ ही सूचना मिलने पर पहुंचे परिजन युवक को उपचार के लिए अस्पताल लेकर आए। यहां से उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। युवक ने आगरा जाते समय दम तोड़ दिया। सिरसागंज पुलिस ने मृतक के पिता रामबाबू दिवाकर की तहरीर पर चेला उर्फ पंकज निवासी करहल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना अध्यक्ष सिरसागंज उदयवीर सिंह मलिक का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। मृतक संजू के पिता का कहना है कि संजू 2-3 दिन से चेला और पंकज के साथ आरोप रोड प्रताप नगर में किराए के मकान में रह रहा था। संजू की हत्या चेला और पंकज ने क्यों की, इसकी जानकारी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगी। वहीं मंगलवार को मृतक के भाई नीरज ने मीडिया को घटना की पूरी जानकारी दी। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। क्या नाम तुम्हारा? नीरज। तो का नाम? राम बाबू। हरा रोड। आपके भाई के साथ क्या घटना हुई? घटना उसके उसको मारा गया। बड़ी पैसे नाम भाई का? संजू। नीतू गंज उसको मारा, पूरी तरीके से घायल कर दिया। जब हम लोग ले रहे तो मर गया वो। किसने मारा, क्या वजह थी? उसकी वजह थी ये लोग अपने आप से जा रहे थे। कौन कौन? एक केला नाम का लड़का और इसके संग रहता है। कहाँ रहता है? हरा रोड पर। वही इसको नीची गोंद में ले गया, पैरा खिला गए और उसको मार दिया। कितने मारे? पत्थर से। पत्थर वहाँ डला था, लेरा खून डला था। जब हम लोग ले गए वहाँ पर आगरा, पुलिस ले गई, उसके बाद ले गए, फिर वहीं ख़त्म हो गया।